नमस्कार, मेरा नाम है यशिका। इस वक्त हम मौजूद हैं पालम में, जहाँ पर रामकथा का आयोजन हुआ था। ये रामकथा 9 दिन तक चली। इसके बाद आज के दिन आज तुलसी विवाह और एक देव उठनी 11 के मौके पर आज इन्होंने देव माना ट्रस्ट की तरफ से एक लड़की का विवाह आयोजन कराया गया, जिसमें कई लोग आए और उन्होंने लड़की को आशीर्वाद दिया। देव मानव ट्रस्ट की तरफ से एक विवाह का आयोजन करवाया गया। ये विवाह हर साल देव मानव ट्रस्ट की ओर से करवाया जाता है, जिसमें गरीब कन्या का विवाह करवाया जाता है जिसका कोई सहारा नहीं होता है। ऐसे में देव मानव ट्रस्ट उनका सहारा बनकर ये विवाह करवाती है। आइए जानते हैं वीरेंद्र देव शर्मा जी से इस विवाह के बारे में। देखिए, देव मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से गरीब लड़कियों की शादी का प्रोग्राम था और ये गरीब लड़कियों की शादी हम साल में 2 बार करते हैं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि भाई हमें परमात्मा ये अवसर देता है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो शूट भी ज़रूर करें, मतलब हम इस आयोजन को सिर्फ दिखावे के लिए या नाम के लिए नहीं करते। जिस भी कन्या की हम शादी करते हैं, हम ये मान के शादी करते हैं कि वो हमारी अपनी बेटी है। इसका प्रूफ है ये सामान, जिसलिए मैंने कहा कि आप एक बार उसको रिकॉर्डिंग जरूर कीजिएगा। TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डबल बेड। नॉर्मली क्या होता है कि फॉर्मेलिटी करनी होती है कि भाई एक 6-4 का बेड दे दिया, बिस्तर दे दिया, 4 बर्तन दे दिए, 5 कपड़े दे दिए और वो शादी हो गई और नाम कर दिया कि हमने शादी की है। ठीक है, हमारी सोच है कि या तो कोई कार्य करो मत, और अगर किसी करना है तो दिल से करो। तो आप ये मान के चलिए कि ये किसी गरीब लड़की की शादी नहीं है, ये देव की लड़की की शादी है। देव अपनी बेटी की शादी कर रहा है और उस तरीके से मैं उस अरेंजमेंट को मैंने किया है। और मैं कहता हूँ परमात्मा मुझे इस लायक बनाए रखे कि मैं ऐसे अनंत लड़कियों की शादी कर पाऊँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आज मेरी जीवन साथी मुझे मिल गई। वैसे ज़्यादा कुछ खुशी चाहिए ही नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं भी बहुत खुश हूँ, इतना अच्छा अरेंजमेंट करा, मेरे लिए इतना कुछ करा है अंकल लोग ने, वो बहुत खुश हूँ शादी से। बहुत ही अच्छे मेरे लिए, इतना कुछ कर रहे हो वही बहुत है मेरे लिए। मेरे मम्मी पापा भी नहीं, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, इतना अच्छा अरेंजमेंट करा मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूँ। जय श्री राम। ये आयोजन धार्मिक आयोजन ये 10 दिनों से चल रहा था। रामकथा चली, उसके बाद में ये कल रामकथा समाप्त हुई, तो उसके बाद में आज देव मानव ट्रस्ट की तरफ से गरीब लड़कियों की शादियों का आयोजन किया गया है। ये चल रहा है आपके सामने। ये देव मानव ट्रस्ट हर साल गरीब लड़कियों की शादियां कराते हैं। ये हर साल का ही है इनका प्रोग्राम, ये हर साल कराते हैं और हम भी इस ट्रस्ट में महासचिव हैं। तो देव मानव ट्रस्ट की तरफ से ये गरीब लड़कियों की शादियों का आयोजन चल रहा है और ये चलता ही रहेगा जब तक देव मानव ट्रस्ट है, जब तक गरीब लड़कियों की शादियां होती रहेंगी। धन्यवाद। आज के आयोजन के विषय में तो भाई रामकथा समाप्त हुई है, उसके बाद में एक कन्या का विवाह यहाँ संपन्न हुआ है और उसका ही ये प्रोग्राम चल रहा है और बहुत बढ़िया है। मानव ट्रस्ट की वजह से होता है और ये संस्था यहाँ पालम सांस्कृतिक की वजह से ये प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। पिछले 9 दिन से हमारा एक श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा था पालम द्वारका सांस्कृतिक समिति की तरफ से, जिसके संरक्षक थे ऋषि भाई मुदगल जी, प्रधान हमारे बड़े भाई वीरेंद्र देव शर्मा जी और उप प्रधान पवन डोगरा जी और प्रचार मंत्री मैं खुद सत्यनारायण टकलू भाई और हमारी जो संसद अंति त्रिपाठी जी और हमारे श्रीवास्तव जी, ये सब संरक्षक थे हमारे और अन्य बुरी समिति लोग थे। बहुत अच्छा आयोजन किया। हमारे उदय भांजी प्रचार सचिव हमारे, वो भी हमारे बीच में थे, सब ने मिलकर ये संकल्प लिया था और दीपक त्रिपाठी हमारे भाई सबने मिलकर संकल्प लिया और 9 दिन बड़ा अच्छा आयोजन किया गया रामकथा का। उसके बाद समापन के बाद भंडारा हुआ और उसके हमारे हमारे जो देव मानव संस्था है उनके द्वारा पहली बार यहाँ पे गरीब कन्याओं की शादी का विवाह रखा गया, सामूहिक विवाह, और बड़ा अच्छा लगा। आप देख ही रहे हैं शादी हो रही है, हमारे देव मानव के हमारे सतीश भाई हमारे शर्मा जी वो भी हमारे बीच में, बहुत संस्था के लोग जुड़े हुए हैं, बहुत उनके थ्रू आज देव मानव की लड़की शादी हो रही है और इनके जो जो चेयरमैन हमारे हैं हर साल कराते हैं। लेकिन हमारे जो बड़े भाई हैं ना वीरेंद्र देव शर्मा जी जो चेयर पर्सन है उनके बड़ा सहयोग रहता है, वो हमारे चेयर पर्सन है, उनके सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और हर साल होता रहेगा और ऐसे लोग हमारे जुड़ते रहेंगे। सही बड़े बड़े प्रधान जी ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे संस्था के साथ जुड़ते हैं और हमारे सहयोग देते हैं, उसका धन्यवाद और ऐसे होता रहे। जय श्री राम। मैं उदयभान शर्मा, देव मानव सेवा ट्रस्ट के संगठन मंत्री। जैसा कि नाम है देव मानव सेवा ट्रस्ट, इसी तरह से हमारे इस ट्रस्ट की भावना यही है, मानव सेवा परमो धर्म। इसमें आज का जो आयोजन है एक सामूहिक विवाह,
एक कन्या का विवाह, ऐसी लड़की का विवाह हम करने जा रहे हैं जिसका कोई किसी तरह से साथी नहीं था। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है हमारे देव भैया को जाता है, जो देव मानव सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। और इस तरह का आयोजन हम साल में दो बारी, एक देवउठनी एकादशी नवंबर में, दूसरा जो है अप्रैल में, ये करते हैं। इसके साथ साथ हम हेल्थ चेकअप कैंप हर महीने हर दिन कहीं ना कहीं लगते ही रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ देव मानव सेवा ट्रस्ट का, और जिसका मैं उन्होंने साथ में हूँ, और देव भैया का, जो इस तरह के बहुत अच्छे सराहनीय कार्य करते रहते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, आप ये सब लोग कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे राम कथा हुई है, आए हैं हम लोग सारे अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ हैं। आज शादी कर रहे हैं ये देव मानव की तरफ से, और मेरे ख्याल से सभी मिलके कर रहे हैं शादी, तो बहुत अच्छा लगा है इस तरीके से। और क्या बोलूँ, ऐसे होते रहना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। और ये सुमन जी से पूछिए आप। सुमन रतुड़ी है, और यहाँ पे अभी रामलीला हो रही थी और आज तुलसी ब्याह भी है उसके उपलक्ष्य में, और ये देव मानव ट्रस्ट की तरफ से एक गरीब लड़की का ब्याह हुआ है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही ये बच्चों की शादियाँ होती रहें। सबने सामूहिक ब्याह किया है, सबने दान दक्षिणा दी है और खूब आशीर्वाद दिया है, तो ऐसे ही ये उभर के सिर्फ आगे आए सब। और जिस तरीके से गरीब लड़कियों की शादी हो रही है ना, इसे सारे सपोर्ट करें। बस धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आज आपने देखा कि विवाह किस तरह से संपन्न हुआ। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ यशिका की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।